एकदम रावस भाईजान, तो अपना एमसी स्टैंड जीत गया इस शो, और उसी के साथ शुरू करते हैं आज का फाइनल बिग बॉस का ब्रेकडाउन। यार पहले तो रफली सी बात कर लेते हैं जो जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि 5 घंटे का एपिसोड था और इतना कुछ है इस एपिसोड के बारे में बात करने के लिए कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बातें तो भूल जाऊंगा, तो जो बातें भूल जाऊंगा वो दरगुजर कर देना। बाय द वे, इस बार पहली दफा मैंने एक नई चीज ट्राई की है कि मैं साथ साथ अपने शॉर्ट रिव्यूज रील्स में पोस्ट कर रहा था, और वो मुझे बनाने में काफी मजा आया, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मैं चीज देखता हूं ना, तो जब मैं उसको ब्रेक डाउन करने बैठता हूं तो कई चीजें मैं भूल जाता हूं। मेरी कोशिश थी कि मैं साथ साथ, मैंने 5-6 रील्स डाली, वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, जाके देख ले। सबसे पहले तो एपिसोड जब शुरू होता है ना, उसमें भारती और कृष्णा आते हैं बिग बॉस के घर में सलमान भाई के साथ, ये सारा सीन होता है। मुझे कृष्णा और भारती वाला जो पूरा पोर्शन था वो बहुत मजे का लगा है। अच्छा, और पूरे इस शो में मेन चीज जो मुझे लगी ना कि 5 घंटे का शो था, पहली बार मुझे लगता है ऐसा हुआ कि बिग बॉस का फिनाले 5 घंटे का था, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ हमें फिनाले वाली वाइब नहीं, हमें और बहुत कुछ देखने को जानने को मिला है पूरे एपिसोड में। जो बिग बॉस के हाउस के लोग हैं उन लोगों के अभी तक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वो सब देखने को मिला बिग बॉस के घर में। कृष्णा और भारती बिग बॉस को होस्ट कर रहे थे घर में, तो उस टाइम में भी जब बाकी करेक्टर्स आए, सारे एक्टर्स वापस है, और मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो सीजन में से एलिमिनेट हो चुके वो भी वापस है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोग आने से मना करते हैं। आई नो टीना घर में नहीं आई थी, लेकिन टीना स्टिल आई हुई थी, और जब टीना नहीं आई थी मुझे फील होता, मैंने कहा टीना को आना चाहिए था, और टीना को वाकई घर में आना चाहिए था, क्योंकि इसी घर से होकर निकल के गई है ना टीना भी, और जब टीना नहीं आती तो लोग बातें भी करते टीना नहीं। मुझे वो चीज बहुत बुरी फील हुई कि मंडली के लोग शालीन के ऊपर चढ़ी जा रहे थे। शालीन को मैं समझ गया इस पूरे शो में, शालीन वो बंदा है जिसको ये शो समझ ही नहीं लगा है। लोग बोलते रहे ना कि अपना पी टाउन बेबी रावस, इसको नहीं समझ लगा बिग बॉस, लेकिन शालीन वो बंदा है जिसको बिग बॉस समझ नहीं लगा, और इसको बिल्कुल एंड टू एंड में आके समझ लगा। जो कल के एपिसोड में स्टार्टिंग में शालीन ने प्रियंका को सीधा किया था ना, वो सही शालीन था, और वो वाला होता तो फाड़ देता शालीन। बट खैर अब वापस आते हैं सब मिलते जुलते, हालांकि इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 1-2 दिन पहले मिल लिया हुआ, क्योंकि जब वो सारा शूट हुआ था और बातें बातें होती हैं मिलके, माहौल मस्ती करते हैं, काफी लंबा एपिसोड चलता है और उस दौरान काफी मसले भी होते हैं, और एक मसला मुझे बड़ा टाइट लगा जब अर्चना बोलती है कि मैं सुम्बुल के सामने क्यों खड़ी हूँ, मेरे सामने सुम्बुल नहीं खड़ी करो, सही चुप कराया सुम्बुल को, और सुम्बुल को ऐसे ही चुप कराना चाहिए था, क्योंकि मंडली यार देखो नो डाउट मैं चाहता था खुद के स्टैंड जीत जाए, क्योंकि स्टैंड सच्चा बंदा है शो में, लेकिन वो मंडली लेके चल रहा था ना, और मुझे मंडली नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैं चाह रहा था कि आउट ऑफ द ब्लू शालीन जीत जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरे 3 फेवरेट थे शालीन, एमसी स्टैंड, और फिर उसके बाद अगर आंखें बंद करके किसी को देना ही है ना तो वो था शिव। प्रियंका फिर भी मेरे टॉप में नहीं थी कहीं भी, प्रियंका से ज्यादा डिजर्व करती थी अर्चना, और उससे ज्यादा सौंदर्या भी मेरे हिसाब से फिनाले को डिजर्व करती थी, लेकिन इस बार बिग बॉस ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेली है, उसने सबको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे दिए, और ये वन ऑफ द सक्सेसफुल सीजन रहा है बिग बॉस का नो डाउट, क्योंकि हर बंदे को कुछ ना कुछ मिला है। अंकित और गौतम को तो पहले ही एक ड्रामा मिल चुका है, शालीन को जो ड्रामा मिला जिसके बारे में 3 दिन से पहले से ही बात चल रही थी कि शालीन को ऐसे निकाल देंगे और ड्रामा मिल जाएगा, वही हुआ, उसको पहले निकाल दिया और ड्रामा दे दिया। निमरत को ड्रामा मिल चुका है, शिव को नो डाउट आगे जाके खतरों के खिलाड़ी मिलने वाला है, जो पता है यही रीजन है, जब वो एपिसोड हुआ था जिसमें खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन हुआ था मैंने उसका ब्रेकडाउन किया है, लेकिन लास्ट ब्रेकडाउन पे कलर की तरफ से ब्लॉक कर दी गई है वो वीडियो, यही रीजन है कि पीछे आज मैंने आग लगाई है, उनकी क्लिप्स नहीं चला रहा हूं क्योंकि कलर ब्लॉक कर देता है वीडियोस, पता नहीं क्यों रिव्यूअर्स को शायद अलाउ नहीं करता कलर, मैं पहली दफा ऐसे रिव्यू कर रहा हूं तो शायद मे बी इस वजह से। शालीन जब जीता खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन पूरा, अच्छा उस दौरान उसका भी एक पूरा रिव्यू मैंने बनाया, वो आ जाएगा, हो सकता है इसके बाद डाल दूं उसमें भी कुछ चीजें, लेकिन उसकी एक मेन चीज जो मुझे फील हुई, शालीन खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन जीत कर उसने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे नहीं करना ये शो, तो उस टाइम में ही बात हो गई थी कि ये स्क्रिप्टेड है, जीत वो गया था लेकिन उसको जानबूझ के इसीलिए उसने बोला, उसको प्रोडक्शन ने या किसी ने बोले हो कि मना कर दो क्योंकि तुम्हें एक शो मिलने वाला है तो तुम वो शो करना, ना कि तुम खतरों के खिलाड़ी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते हो, इसलिए नो डाउट शिव जाने वाला है खतरों के खिलाड़ी में, और मैं चाहता हूं पर्सनली अर्चना भी खतरों के खिलाड़ी में चली जाए, क्योंकि वो जो खतरों के खिलाड़ी का पूरा एपिसोड था उसमें अर्चना ने कॉमेडी का बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था, और अर्चना डिजर्विंग है। अर्चना जब एलिमिनेट भी हुए तो दिल से रोना आया, जब वो रो रही थी फूट फूट के, तो मुझे भी फील हो रहा था कि एक बंदा जब नीचे से उठ के इतना सक्सेस हासिल करता है तो दिल में होता है कि यार जीत जाते तो अच्छा था। अच्छा पूरे घर वाले मिलकर शालीन को जब निकालते हैं, वो सारा स्क्रिप्टेड था, वो हमें पता था शालीन को ऐसे ही इन्होंने एग्जिट करना, और ये 4 दिन से बात चल रही थी कि शालीन को ऐसे बाहर निकालने वाले हैं। मैं पर्सनली चाहता था कि शालीन जीत जाए, नहीं जीत पाया
तो चलो उसके हक में और बेहतर चीजें होंगी। फिर उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये पूरा सेगमेंट चलता है जिसमें कृष्णा और भारती माहौल बनाते हैं और हमें खबर जानने को मिली कि अब्दू जा रहा है बिग ब्रदर में। यार जबरदस्त यार, ये बंदा सही कामयाब हुआ और अल्लाह इसको और कामयाब करे। अल्लाह बेसिकली सबको कामयाब करे, किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है। जो मुझे जो चीज बुरी लगी वो यही थी कि मंडली वाला, और कुछ बुरा नहीं था। प्रियंका मुझे थोड़ी सी नकचड़ी लगती है लेकिन अंकित भाई को अच्छी लगती है। तो अंकित भाई ने जो वन लाइनर्स दिए हैं ना शो में, इतनी बातें अगर सीजन में की होती तो डेफिनेटली बंदा जीत गया होता आज, क्योंकि अंकित भी पॉपुलर है और अंकित के बातों में दम होता था और अंकित लव इट बहुत जबरदस्त था। फिर घर वाले सबके आए, मामा पापा सब लोग आए, वाकई ऐसे लग रहा था, कृष्णा ने भी बोला ऐसे लग रहा है पेरेंट मीटिंग पे आ गए, सब फिर रहे। और कृष्णा ने जो एक्टिंग की है, जो धर्मिंदर की एक्टिंग की, कृष्णा और भारती ने पूरा माहौल बनाया 2-2.5 घंटे। उसके बाद सलमान खान के पास आ जाते हैं, सलमान खान होस्ट करते हैं, अमीषा पटेल और सनी पाजी आते हैं और सनी पाजी आके बताते हैं कि गदर 2 आ रही है और गदर 2 का नाम है गदर 2 कथा अनटोल्ड। उसका प्रमोशन होता है और अब्दू छोटा दारा बन के आता है और वो पूरा माहौल बनता है। और उस दौरान एक प्रक्रिया की जाती है जिसके दौरान अर्चना को घर से दखल कर दिया जाता है, अर्चना बड़ा रोती होती है, वो सारा कुछ होता है। उसके बाद कलर्स के लिए नए शो का प्रमोशन करने के लिए जब आते हैं वो तेरे इश्क में घायल की कास्ट लेके आते हैं लोग उसको प्रमोट करने के लिए, तो उसकी जो बेसिक स्टोरी लाइन बताई जाती है, मुझे क्लिक हुआ कि यार ये तो वैम्पायर डायरी की स्टोरी को कॉपी मारा जा रहा है, बस डिफरेंस ये किया जा रहा है कि वैम्पायर्स की जगह वुल्फ डाले हुए और टोटल कॉपी मारा। और सलमान भाई उस टाइम इतने केयर फ्री एटीट्यूड में थे कि बस कह रहे थे खत्म हो। और यही उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि सलमान भाई जेम ऑफ अ पर्सन है, 5-6 घंटे का शो कंटिन्यूसली चला है और फुल उन्होंने एंजॉय किया और सलमान भाई का जो एटीट्यूड होता है ना वो एंजॉय भी कराता है। और कृष्णा फिर धर्मिंदर बन के भी आ जाता है और उस टाइम में बहुत सलमान भाई जब हंसते हैं ना तो हम लोगों को हंसी आ जाती है, जो कितना फनी हो ना हो लेकिन हंसी आ जाती है। वो जोक बड़ा अच्छा था, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, कृष्णा और सलमान भाई और कॉमेडी लेवल में आज का एपिसोड तो रावस था भाई जान। फिर एक बीच में मुझे याद है सेगमेंट हुआ जिसमें साजिद शिव को बोलता है कि अगर तू नहीं जीतेगा तो दिल छोटा मत करी। भाई सबको पता था कौन जीतने वाला है, ये पहले से ही प्लान हो जाती है, हफ्ता पहले चीजें प्लान हो जाती है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन इस बार के बिग बॉस में मुझे जो चीज अच्छी लगी है कि सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिला है। अब अर्चना को भी अगर खतरों के खिलाड़ी दे दो रोहित शेट्टी तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रियंका को आउट कर दिया जाता है। जब प्रियंका आउट होती है तो अंकित काफी सैड हो जाता है और अंकित आई फील यू ब्रो, अंकित यू आर लव, मुझे अच्छा लगता है अंकित। और उसके वन लाइनर्स जो होते हैं या उसके ऑन द पॉइंट बात करने का जो तरीका है ना, उसका पर्सनैलिटी उसका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकित का और गौतम का भी शो आ रहा है, उसकी प्रमोशन भी करते हैं, सलमान भी पहले ऐसे बोल होते हैं, फिर उनको पता चला अब इनका ऑन एनर्जी डालूंगा मैं। सलमान भाई जेम है भाई, एवेनी बिग बॉस की होस्टिंग के किंग बने हुए। और फिर सलमान भाई अपनी मूवी किसी का भाई किसी की जान का गाना भी लॉन्च करते हैं, जो के बारे में सलमान भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टाइगर 3 देखनी है बस, किसी का भाई किसी की जान देख लेंगे आपके प्यार में। लेकिन मंडली के 2 लोग रह जाते हैं और बाकी मंडली जो बाहर खड़ी होती है जब वो खुश होती है ना तो मुझे वो बहुत बुरा फील हुआ है। उससे फील हुआ है कि ये वैसे तो बोला जाता है कि बिग बॉस एक पर्सनैलिटीज का शो होता है लेकिन इतने सारे मिलके लोग किसी को जिताए ना तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। इसी तरह मुझे याद है एक सीजन में जब प्रिंस नारूला को जिताने के लिए बाहर रणविजय ने पूरा एक माहौल बनाया हुआ था, तब भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि रिजर्विंग वो होता है जो मेहनत करता है। अब एमसी स्टैंड बंदा एक टाइम में बोलता था मुझे शो से निकालो मेरे को घर जाना है, शेमड़े है रावस मेरे को घर जाने का है, लेकिन जो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं था एंडिंग में, नो डाउट वो इंटरेस्टेड हो गया था लेकिन उसका दिल नहीं था इस शो में, तो वो बंदा जीत जाए तो फील होता है। इससे ज्यादा डिजर्विंग शिव था और उससे ज्यादा डिजर्विंग शालीन था, क्योंकि शालीन के अराउंड इवॉल्व हुआ ये पूरा शो, उसके अगेंस्ट या उसके साथ मिलके ही सब कुछ चला है। सुंबुल की बदतमीजियां हो, टीना के साथ लव रोमांस, सब कुछ चला है तो उसी के अराउंड इवॉल्व हुआ घर, तो वो ज्यादा डिजर्विंग था मेरे हिसाब से घर के लिए। लेकिन एट दी एंड मजा तो आया, पूरे सीजन ने माहौल बना के रखा है और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब क्या देखना है, मतलब दिन के 2 घंटे तो मेरे इसी में जाते थे तो मजा आता था, अब 2 घंटे के लिए कुछ ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी कुछ करने के लिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो ब्लॉक की हुई है वो आप तक पहुंच जाए किसी तरीके से, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो वीडियो बाद में आए वो देख लीजिएगा, भले वो पुरानी वीडियो है लेकिन वो ब्लॉक हो गई थी, मेहनत है तो उस पर लाइक लाजमी ठोक देना और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब नबील वर्स फॉर मोर रिएक्शन रिव्यूज, जो वीडियो देखनी है शॉर्ट्स में भी काफी कुछ मेहनत करता रहता हूँ, तो बस सब्सक्राइब कर लो एंड एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।